अगर आपको इसी साल iPhone 13 खरीदना है और आपके मन में सवाल है कि ये कब खरीदना चाहिए और यहाँ पे प्राइस ड्रॉप कब देखने मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कब तक आपको लगभग 48 या 49 के अंदर iPhone 13 मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगेगा वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा ही न्यूज अपडेट आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है, आपको तो पता लग गया होगा, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था iPhone 13 अभी मेड इन इंडिया आ चुका है, रिटेल स्टोर में आपको देखने मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन में भी देखने मिलेगा। बट यहाँ पे जो MRP दोनों में देखने मिल रहा है सेम MRP है, 79,900 रुपीज में मेड इन चाइना की मॉडल में जो MRP लिखा जा रहा है, मेड इन इंडिया की बॉक्स में भी वही MRP दिखने मिल रहा है। बट यहाँ पे बोला जा रहा था कि मेड इन इंडिया आने के बाद प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा, क्या कब दिखने मिलेगा? तो जी हाँ, आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मेड इन इंडिया आ चुका है, प्राइस ड्रॉप आपको अभी तक नहीं देखने मिला है, बट आपको देखने मिलेगा। अभी क्यों प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिल रहा है ये बताना चाहूंगा। पहले चाइना से जितना भी मॉडल आ चुका है वो अभी इंडिया में स्टोर्ड है, पहले वो सारे मॉडल को सेल करना चाहेगा और उसके लिए यहाँ पे सेम MRP में रखेगा, नहीं तो MRP जिसका कम हो जाएगा तो मेड इन चाइना वाला वर्जन जितना भी आ चुका है इंडिया में वो तो बिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मेड इन चाइना एंड मेड इन इंडिया दोनों की MRP सेम रखा गया है, कुछ दिन के लिए यहाँ पे सेम प्राइसिंग के साथ मिलेगा। बट आपको पता होगा iPhone 13 अभी 65,000 के अंदर भी मिल जाता है आपको अगर ऑफलाइन स्टोर जा रहे हो तो। इसके बाद भी और भी आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा जब चाइनीज मॉडल सारे बिक जाएगा और उसके बाद जो भी कस्टम ड्यूटी यहां पे लगता है वो सारे आपको डिस्काउंट देखने मिलेगा। लगभग 18% या 20% कस्टम ड्यूटी लगता है, लगभग 16,000 तक ऑफ देखने मिलेगा MRP में भी ऑफ देखने मिलेगा और इसके साथ आपको लगभग 50,000 से भी नीचे आपको देखने मिलेगा। बट कब देखने मिलेगा दोस्तों बताना चाहूंगा। अभी भी ऑफलाइन में अच्छे प्राइसिंग के साथ मिल रहा है लगभग 65,000 के तक। आपको पता होगा लास्ट ईयर iPhone 12 सडनली प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिला था। BBT सेल, बिग बिलियन डे सेल जो दशहरा सेल में आता है उसी टाइम में आपको प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। अगर आप वहां तक वेट कर सकते हो तो आपको 50,000 के नीचे iPhone 13 मिल सकता है, बट आपको लगभग 5 to 6 months वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वेट नहीं करना है मिनिमम 1-1.5 महीना रुक जाइए, यहाँ पे जितना भी चाइनीज वेरियंट वो सारे बिक जाने दो, उसके बाद आप लोग को थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर देखने मिलेगा, ऑनलाइन नहीं, वो आपको देखने मिलेगा ऑफलाइन रिटेल स्टोर, मतलब ऑफलाइन एप्पल की ऑथराइज्ड रीसेलर जितना है वहां पे आपको ऑफलाइन में देखने मिलेगा। उसके बाद एप्पल की जो सबसे बड़ा सेल चलता है ऑनलाइन में वो है फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे, वहां पे आप लोग को 48,000 के अंदर मिल जाएगा, बट वो होगा अक्टूबर में। अक्टूबर तक वेट कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो 50 के अंदर iPhone 13 परचेज करने के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग 1-1.5 महीना रुक जाइए, जब पूरा रिटेल स्टोर में आ जाएगा तब आप वो ले लेना। मैं बताना चाहूंगा अभी भी रिटेल स्टोर में आ चुका है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बट प्राइस ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा, अभी आपको थोड़ा बहुत वेट करना होगा। रिटेल स्टोर में जो भी वेरिएंट आ रहा है वहां पे MRP 79,900 के साथ देखने मिलेगा। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टेड हो, आपको iPhone 13 लेना है तो कौन सा कलर लेना है ये जरूर कमेंट करना, और कब लेना प्लानिंग कर रहे हो और आपकी बजट कितना है ये जरूर कमेंट करना, हम उसके ऊपर राय देंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी का अभी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय, सही।